हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे उस हॉलीडे प्लानर कंपनी की जिसके अंदर बढ़िया रिटर्न निकले हुए हैं ऑलरेडी, और आपको आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिखाई देंगे। अगर आप इस शेयर का डाटा एनालाइज करेंगे तो आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 6 महीने के अंदर लगभग 64% तक की इस शेयर ने तेज़ी दिखाई है, और उसका रीज़न एक ही है कि पिछले 2 सालों से आपका जो हॉलीडे था वो पेंडिंग था ड्यू टू कोविड की वजह से। अभी तक अच्छी तरीके से हॉलीडे नहीं मना पाए हैं, लेकिन इस साल ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पूरे बढ़िया और अच्छे तरीके से कोविड का कोई साइन दिखाई नहीं दे रहा, और बढ़िया तरीके से बुकिंग भी आती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि हॉलीडे प्लानिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो जितने भी होटल्स हैं और हॉलीडे ट्रिप प्लान करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकलते हुए दिखाई देंगे। यहां अगर आप ओवरऑल ईयर टिल डेट की बात करें तो 70% तक के रिटर्न इस शेयर ने जनरेट करते हुए दिखाए हैं। काफ़ी बढ़िया हाई बनाया और वहां से ये टूटता हुआ भी नीचे दिखाई दिया है, और फिर से अपमूव की जो गारंटी इस शेयर के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहां पर आप देखेंगे तो 75% तक के रिटर्न इस शेयर ने 1 साल के अंदर दिखाए हैं, यानी कि मूवमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस समय जो 1 महीने से इस शेयर ने 3% तक के रिटर्न दिखाए हैं, यानी कि ये शेयर काफ़ी बढ़िया हाई पर गया 388, और इससे पहले भी इस शेयर ने अगर आप यहाँ देखेंगे 444 रुपये का जो हाई बनाया, वहाँ से ये टूटता हुआ 344 तक भी गया, और उसके बाद फिर से इस शेयर ने अभी अगर आप देखें तो मोमेंटम बहुत बढ़िया इस शेयर के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी गिरावट है मार्केट के अंदर, और उस गिरावट के अंदर इस शेयर से फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉलीडे प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। रिटर्न आने और जैसे ही रिजल्ट इस शेयर के आते हैं, ये आपको बढ़िया रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। एक बार क्वार्टरली नतीजे इस कंपनी के देख लेते हैं, किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। और सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेंगे, यानी कि वंडरेला हॉलीडे लिमिटेड, यानी कि आप ये समझिएगा कि कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप की बात करें तो 2000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप है कंपनी की। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, 196 रुपीज़ का इसका लो है और 455 का इसका हाई है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा के इस शेयर ने रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। 358 पर इस समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 100 रुपये नीचे अपने हाई से, तो डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर गिरावट में और बढ़िया प्राइस मिलता है तो डेफिनेटली उसका इंतज़ार कीजिएगा। डेट फ्री कंपनी है, रिड्यूस डेट कर चुकी है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो डेट फ्री कंपनियां नंबर 1 कंपनी है देखिए अपने सेगमेंट के अंदर। और यही रीज़न है कि इस समय डेट फ्री कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है। क्वार्टरली बाई क्वार्टरली रिटर्न की बात करें तो ये 5 करोड़, 9 करोड़, 64 करोड़ और 11 करोड़ बहुत बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। उससे पहले माइनस में देखिएगा कितना सारा माइनस है, और अब माइनस टू माइनस करते हुए कंपनी प्लस करती हुई दिखाई दे रही है। या ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो ये देखेंगे 2 साल से काफ़ी घाटे में कंपनी थी, उसको कवर करते हुए सीधा 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने बना लिया है। उससे पहले काफ़ी मजबूत तरीके से कंपनी ने काम किया है, और धीरे धीरे अभी भी नंबर बहुत बढ़िया है। माइनस 50 करोड़ से माइनस 9 करोड़ उसके बाद 88 करोड़ प्लस में आना एक बड़ी महारत हासिल करने वाली चीज़ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं घाटे से निकलना और फिर निकलने के बाद प्रॉफिट निकालना बहुत ज़रूरी है। यानी कि असली गेम का खिलाड़ी और बाजीगर उसी को कहते हैं जो घाटे से मुनाफे में आए। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे FII ने भी अपनी होल्डिंग को सितंबर क्वार्टर में बढ़ा लिया है 7.73 से 9.30, और DII हालांकि थोड़ा थोड़ा बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये समझिएगा कि कैसे कंपनी ने बढ़िया तरीके से प्रॉफिट बनाया है और आगे किस हिसाब से अपना काम करती हुई नज़र आ रही है।